बाराबंकी जिले में पुलिस प्रशासन ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। बाराबंकी पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई में बाराबंकी में असंद्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्दौर कस्बे के निवासी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जासिम के खिलाफ की है। ज्वाइंट टीम ने असंद्रा थाना क्षेत्र के कस्बा सिद्दौर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। टीम ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जासिम की 14 करोड़ 2 लाख 50 हजार की संपत्ति कुर्क किया, जिसमें 5 मकान 6 भूखंड शामिल। तस्कर ने ये संपत्ति अपने और परिजनों के नाम से बनाई थी। बता दें, कुछ दिनों पहले यही तस्करी का आरोपी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ी मान मनोबल के बाद टंकी से नीचे उतारा था। तस्कर जासिम इस समय बाराबंकी जिला कारागार में निरुद्ध है। बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी सदर सुमित त्रिपाठी ने बताया, असंद्रा थाना क्षेत्र के सिद्दौर निवासी जासिम मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले मुनव्वर गिरोह का सदस्य है। तस्करी के अपराध से उसने काफी दौलत एकत्र कर संपत्ति बनाई। कुछ दिन पहले जासिम पर गैंगस्टर लगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने उसकी संपत्तियां चिन्हित की, जिसे पुलिस और प्रशासन की टीम ने सिद्धौर पहुंचकर कुर्क किया। टीम ने 5 मकान 6 भूखंड समेत कुल 11 संपत्ति कुर्क कर ली। सीओ सदर के मुताबिक गिरोह के सरगना मुनव्वर की 16 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। जनपद बाराबंकी में संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज 20 अगस्त 2023 को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह के सक्रिय मेंबर जासिम पुत्र जलीस की थाना जैतपुर के द्वारा 14 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति कुर्क करवाई गई है, जिसमें 5 मकान और 6 भूखंड शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जासिम जिला कारागार में ही निरुद्ध है और हम इसी तरह से इन अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति का चिन्हांकन और कुर्की की कार्यवाही लगातार जारी रखेंगे।